नमस्कार दोस्तों, बी एस ए ट्रेकी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के आप लोग के सी ओ पी ट्रिपल एस लेटेस्ट न्यूज़ में क्या आवश्यक सूचना है, तो आइए जानते हैं। तो दोस्तों, यहां पर आज की इन्फॉर्मेशन फिलहाल वीडियो को लेकर आए, तो देख सकते हैं वीडियो एग्ज़ाम के रिगार्ड में आयोग की परीक्षाओं को 136 अभ्यर्थियों पर यहां पर 3 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है। तो आप सभी को बता दें, जांच में फंसे परीक्षा केंद्र पर भी आजीवन बैन लगा दिया गया है। तो यूपी ट्रिपल एससी द्वारा वर्ष 2018 में कराई गई थी जो लिखित परीक्षा सरकारी नौकरी पाने के लिए अभ्यर्थियों ने किया फर्जीवाड़ा और अनुसचिव ने विभूति खंड थाने में अभ्यर्थियों पर दर्ज करा मुकदमा। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी द्वारा वर्ष 2018 में आयोजित ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी व पर्यवेक्षक समाज कल्याण की परीक्षा में 136 अभ्यर्थियों ने फर्जीवाड़ा कर सरकारी नौकरी पाने का प्रयास किया। पड़ताल में फर्जीवाड़े सामने आने पर चयन आयोग ने बैठक की और फर्जीवाड़ा कर सरकारी नौकरी पाने का अभ्यास किया। तो यहाँ पर फिलहाल निर्णय लिया गया कि फर्जीवाड़े में शामिल 136 अभ्यर्थी अब आगे 3 साल तक आयोग द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे। साथ ही उन परीक्षा केंद्रों को भी ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। विभाग के अनुसचिव ने विभूति खंड थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। और दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी के अनुसचिव राम नरेश प्रजापति ने बताया कि वर्ष 2018 में ग्राम पंचायत अधिकारी, विकास अधिकारी व समाज कल्याण परीक्षा की लिखित परीक्षा हुई थी। ये परीक्षा 16 जनपदों के 572 केंद्रों में 22 दिसंबर व 23 दिसंबर को दोनों पालियों में आयोजित कराई गई थी। आयोग द्वारा परीक्षा में उत्तर पत्रांक में 3 प्रतियां तकनीकी संस्था के माध्यम से तैयार कराई गई। मूल पत्रांक को संस्था के द्वारा आयोग मुख्यालय के लिए मूल्यांकन के लिए लाया गया। दूसरा पत्रांक संबंधित जिले के कोषागार में परीक्षा के दिन ही सुरक्षित जमा कर दिया जाता है। तीसरा पत्रांक अभ्यर्थी परीक्षा खत्म करने के बाद ले जाया जाता है। तो मूल उत्तर पत्रांक का तकनीकी संस्था से मूल्यांकन कराकर अभ्यर्थी का प्राप्तांक प्राप्त किया जाता है। तो बीते 26 अगस्त को आयोग ने निर्णय लिया कि परीक्षा परिणाम तैयार करते वक्त 215 कोषागार OMR प्रतियों का मूल OMR से मैनुअल मूल्यांकन कराने के बाद मूल OMR व कोषागार प्रतियों से प्राप्त स्कोर में 10% से अधिक का अंतर आने वाले 136 OMR से संबंधित अभ्यर्थियों को परीक्षा परिणाम से अलग किया जाए, साथ ही 136 अभ्यर्थियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो यहाँ पर आपको बता दें कि 26 अगस्त की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि उन 136 अभ्यर्थियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के साथ ही आगामी 3 साल के लिए आयोग की सभी परीक्षाओं से वंचित कर दिया जाए। साथ ही जिन परीक्षा केंद्रों पर उन्होंने परीक्षा दी थी उनमें भविष्य में आयोग के किसी परीक्षा का केंद्र ना बनाए जाए। तो आरोप है कि उन अभ्यर्थियों ने सरकारी नौकरी हासिल करने के लिए फर्जीवाड़ा किया था और आरोपितों ने अज्ञात के साथ मिलकर आयोग की छवि को धूमिल किया है। तो शिकायत के आधार पर फिलहाल विभूतिखंड पुलिस ने 136 अभ्यर्थियों के खिलाफ जाली दस्तावेज के आधार पर धोखाधड़ी करने की रिपोर्ट दर्ज कर ली है। तो फिलहाल दोस्तों, आज के अपडेट में इतना ही रखते हैं। यूपी ट्रिपल से रिलेटेड कोई भी छोटी बड़ी अपडेट होगी तो आपको मिलती रहेगी हमारे अपने चैनल BSA ट्रिकी क्लासेस में। फिर मिलते हैं कुछ ऐसे लेटेस्ट अपडेट के साथ। बने रहिए दोस्तों आप सभी लोग अपने चैनल BSA ट्रिकी क्लासेस में। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।